आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हमें एडवोकेट सुधीर एच ताड़े, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के नियमित रूप से कार्यक्रम देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एस ताड़े हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमने एक नए सेगमेंट को ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में शुरू किया है और इस सेगमेंट का शीर्षक है कानून की दो बातें। कानून की दो बातें इस सेगमेंट में आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं कि भारत देश में ऐसा कोई कानून का जानकार नहीं है या ऐसा कोई भी अधिवक्ता नहीं है या ऐसा कोई हाईकोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिवक्ता नहीं है जिसे भारत के तमाम कानून की जानकारी है। तो बहुत सारे भारत देश में भिन्न भिन्न विषयों पर कानून बने हैं और बार बार इन कानूनों में अमेंडमेंट्स यानी बदलाव होते रहते हैं और कुछ महीनों के बाद कुछ वर्षों के बाद नए नए कानून आते रहते हैं और इसीलिए भारत देश के किसी भी कानून के जानकार को तमाम कानून की जानकारी रखना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन हम भारत देश में रहते हैं तो जो भारत के नागरिक है उन लोगों को जो भारत देश में प्रमुख कानून है उन प्रमुख कानून की प्राथमिक जानकारी जो कानून हमारे निजी जीवन से या शिक्षा क्षेत्र से या व्यापार संबंधी या हमारे नौकरी संबंधी जो कानून है ऐसे कानून के बारे में और इन कानून की प्राथमिक जानकारी हर भारत के नागरिक को होना जरूरी है। कानून की दो बातें इस सेगमेंट शुरू करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? तो कुछ जो छात्र है वो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ जो युवा है वो पत्रकारिता क्षेत्र में पत्रकार रिपोर्टर के हैसियत से काम कर रहे हैं। कुछ लोग सामाजिक संस्था में पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता पदाधिकारी या नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कानून की दो बातें हम इस सेगमेंट में प्रमुख कानून की प्राथमिक जानकारी देंगे और जो भी छात्र कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ता है, जो राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता है, नेता है और जो पत्रकार है, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आज पूरे टीवी के न्यूज चैनल पर सीबीआई के बारे में चर्चा हो रही है। तो सीबीआई क्या है इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे और सीबीआई के तहत में कौन से आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और सीबीआई का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अभी सीबीआई का जो लॉन्ग फॉर्म है उसका लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका हिंदी में यदि हम इसको रूपांतरित करते हैं
इसको भाषांतरित करते हैं तो हिंदी में मतलब है केंद्रीय अपराधी आपराधिक अन्वेषण संस्था। तो ये जो अपराधी मामले है, इस अपराधी मामलों की जांच करने वाली ये केंद्र की संस्था है। और ये जो सीबीआई है, ये सीबीआई किसके तहत में आता है? भारत में भिन्न भिन्न राज्य है, लेकिन किसी भी राज्य के अंतर्गत या किसी भी राज्य का सीबीआई पे नियंत्रण नहीं होता है। सीबीआई पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और इसके ऊपर में एक सीबीसी को निर्माण किया है। और सीबीसी का निर्माण सन 2003 में हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो सीबीआई जो केंद्रीय आपराधिक अन्वेषण संस्था है, इस पर नियंत्रण करने का काम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर करता है। तो अभी सीबीआई का जन्म कैसे हुआ और सीबीआई कैसे भारत में सीबीआई का जन्म कैसे हुआ और सीबीआई कब से लागू हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब बहुत सारी जो मदद आती थी, जो फंड आता था, उसके घोटाले निर्माण हुए। और तब यह हमारा जो मुल्क है, हमारा जो भारत देश है, यह अंडर ब्रिटिश रूल था। तो इन घोटालों की जांच करने के लिए, आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए 1941 में एक सिफारिश की गई। और उसके बाद में एक कानून बना, और उस कानून के तहत कि पूरे घोटालों को, पूरे आपराधिक मामलों को, विशेष मामलों को जांच करने के लिए एक एजेंसी चाहिए, एक स्पेशल पुलिस फोर्स चाहिए। और इसलिए उस कानून आया, और इस कानून का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, DSPE एक्ट, जो भारत देश में अंडर ब्रिटिश रूल में 1946 को लागू हुआ। तो सीबीआई का जो जन्म है, वो सीबीआई का जन्म DSPE से है। और इसी कानून, ये जो डीएसपी था, DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो ये जो कानून है, ये कानून पूरे भारत देश को लागू था। और 1963 में सीबीआई का निर्माण इस कानून के तहत किया गया है, लेकिन आज भी इस कानून को DSPE एक्ट 1946 ऐसा ही इस कानून को कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि सीबीआई का जुरिडिक्शन क्या है। क्या सीबीआई सिर्फ किसी एक राज्य के आपराधिक मामलों की जांच कर सकती है? क्या दिल्ली के आपराधिक मामलों की जांच कर सकती है, या किसी यूनियन टेरिटरी की मामलों की जांच कर सकती है? तो सीबीआई का जो जुरिडिक्शन है, जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में दिल्ली राज्य, और भारत के जितने भी तमाम राज्य है, उन तमाम राज्यों के ऊपर में सीबीआई का जुरिडिक्शन है। सीबीआई के तहत अलग अलग मामलों की जांच करने के लिए उसके 3 डिवीजन बनाए हैं, उसकी 3 प्रमुख ब्रांचेस है। पहली ब्रांच है एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑफेंसेस डिवीजन, और तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि कौन से मामले सीबीआई जांच कर सकती है, या कौन से मामले सीबीआई को हम सुपुर्द कर सकते हैं। जैसा बहुत सारे
बड़े बड़े करोड़ों के आर्थिक घोटाले हैं, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर या राजनेता या बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें लिप्त है, या पूरे बड़े बड़े बलात्कार के या सेक्स स्कैंडल के मामले जिसमें बड़े बड़े वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े ताकतवर राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति लिप्त है, ऐसे बलात्कार के मामले या हत्याओं के गंभीर मामले जिसमें बहुत ही शक्तिशाली लोग लिप्त है, और पुलिस जो यंत्रणा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो उन मामलों के ठीक से जांच कर नहीं रही है। ऐसे भी मामले जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किसी कुख्यात अपराधी को या किसी गैंगस्टर को फेक एनकाउंटर में गोलियों से उनकी उस अपराधी की या अपराधियों की हत्या की है और उसको एनकाउंटर करके दिखाया है, ऐसे भी फेक एनकाउंटर के जो पुलिस द्वारा फेक एनकाउंटर में जो अपराधी जिनकी हत्या की गई है, ऐसे भी मामले सीबीआई को सौंप सकते हैं और ऐसे भी मामले सीबीआई ऐसे मामलों की जांच कर सकती है। अभी सीबीआई के पास में आपराधिक मामले या आर्थिक घोटालों के मामले, हत्याओं के मामले, बलात्कार के मामले कैसे सौंप सकते हैं, इसकी क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या प्रक्रिया है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस DSPE Act 1946 इसमें सेक्शन 6 है, यानी धारा 6 के तहत जिस राज्य के अंदर में यह आपराधिक मामला घटा हुआ है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो सामूहिक बलात्कार हो, चाहे वो आपराधिक घोटाला हो, तो उस वहाँ की जो पुलिस है वो पुलिस ठीक से छानबीन नहीं कर रही है, अपराधियों को अपराधियों के खिलाफ में गंभीर स्वरूप का अपराध दर्ज किए नहीं जा रहे हैं और अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, ऐसे स्थिति में वहाँ की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का जो कैबिनेट है, वो एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर करता है सेक्शन 6 के तहत में, और वो प्रस्ताव मंजूर करने के बाद में उस प्रस्ताव पे सीबीआई इसमें इस मामले को, इस आपराधिक मामले को सीबीआई के द्वारा इसकी जांच हो, इस प्रकार की सिफारिश वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और फिर सेक्शन 6 के तहत में यह प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है। केवल स्टेट गवर्नमेंट ने सिफारिश करने के बाद में सीबीआई वो मामला सीबीआई को सौंपा नहीं जाता, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के, सम्मति के बाद में, प्रस्ताव के बाद में, सिफारिश के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इसको प्राप्त होना बहुत जरूरी है, और जिसका प्रावधान DSPE Act सेक्शन 6A में है। कोई भी आपराधिक मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हत्या का मामला हो, अनुसूचित जनजाति के बलात्कार का, महिला के बलात्कार का मामला हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 6 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ में प्रस्ताव भेजता है और जो भी सरकार केंद्र में है वो सेक्शन 6A के तहत उसको अप्रूवल देती है, उसको सैंक्शन देती है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट जो गृह मंत्री है, कैबिनेट जो होम मिनिस्टर है, वो एक लेटर में आदेश, लिखित स्वरूप में आदेश देता है कि यह मामला सीबीआई इस मामले की आपराधिक मामले की जांच करे, ऐसा हमने आदेश दिया है, और फिर वो गृह मंत्रालय का
सेंट्रल होम मिनिस्टर का आदेश प्राप्त हो जाने के बाद सीबीआई उस मामले की जांच करती है। तो यह है सीबीआई के बारे में जानकारी और सीबीआई के पास हम कौन से मामले दे सकते हैं और उसकी जांच वो सीबीआई को मामला सौंपना चाहिए इसलिए क्या प्रोसीजर है इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश उसको करनी पड़ती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देना पड़ता है। ये हो गया पहला पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट है कि यदि जिस व्यक्ति की हत्या हुई, जिस व्यक्ति पर बलात्कार हुआ तो ऐसे स्थिति में उसके माता पिता या उसके जो नियर रिलेटिव्स है, वो नियर रिलेटिव्स जो भी स्टेट में ये मामला घटा है उस राज्य के हाई कोर्ट में भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत में वहां पर वो पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अगर वो विक्टिम अगर जीवित है तो विक्टिम खुद पिटीशन दाखिल कर सकता है। अगर उसमें अगर विक्टिम की हत्या हो चुकी है, ऐसे स्थिति में उस विक्टिम के माता, उस विक्टिम के पिता, उस विक्टिम का भाई, उस विक्टिम की बहन या उसका कोई भी नजदीक का रिश्तेदार हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत में या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत में एक पिटीशन दाखिल कर सकता है और वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है कि ये जो घटना घटी है, ये जो आपराधिक मामला हुआ है, ये जो हत्या हुई है या ये जो बलात्कार हुआ है या जो ये फेक एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया है, इसमें बड़े ताकतवर लोग लिप्त है, इसमें राजनेता लिप्त है, इसमें मंत्री लिप्त है, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें लिप्त है और इसलिए पुलिस द्वारा ठीक से इसकी छानबीन नहीं की जा रही है और पुलिस पे मुझे विश्वास नहीं है और पॉलिटिकल जो पावर है ये इसमें जांच में इंटरफेयर कर रही है, तो इस मामले की जांच सीबीआई से हो, ऐसी मेरी डिमांड है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस केस के फैक्ट देखते हैं और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑर्डर करते हैं कि यह मामला गंभीर मामला है और इसमें पुलिस द्वारा ठीक से छानबीन नहीं हो रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, पॉलिटिकल जो पावर है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और इसलिए इसमें निष्पक्ष जांच हो, इसलिए यह आपराधिक मामला सीबीआई के तरफ में हम सौंप रहे हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है और कभी अगर वो कोई नजदीक का रिश्तेदार अगर पिटीशन अगर उसने फाइल नहीं की तो कोई सामाजिक संस्था है, कोई कानून का जानकार, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई अधिवक्ता है और या कोई सीनियर सिटीजन है या कोई पत्रकार है, ऐसा भी व्यक्ति जनहित में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है और उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो आपराधिक मामला सीबीआई को सौंपा जाए और उस आपराधिक मामले की जांच सीबीआई के मार्फत हो, ऐसा आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट देता है। तो दोस्तों ये हमने संक्षिप्त में आपको प्राथमिक आज जानकारी दी है कि सीबीआई जो है ये 1963 से ये सीबीआई जो है ये अस्तित्व में आई है और इसका जो जन्म हुआ है ये DSPE इस कानून 1946 का जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946 में जो कानून अंडर ब्रिटिश रूल
भारत देश में आया था वहां से ही सीबीआई का निर्माण हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए, आप चाहे पत्रकार हो, चाहे आप जूनियर लॉयर हो, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी संस्था के पदाधिकारी हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हो, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अभी आज के तारीख में हमने सीबीआई कैसा निर्माण हुआ, सीबीआई का जन्म कैसा हुआ, सीबीआई पे कौन नियंत्रण रखता है, सीबीआई कौन सी एजेंसी है, सीबीआई के पास में कौन से मामले दे सकते हैं, इस मामले को देने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जलीक आ कहते हैं, बजीक राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।